नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए देखिए बहुत ही प्यारा ये क्रोशिए से बनने वाला गुलाब का फूल लेके आई हूँ। देखिए देखने में कितना सुंदर है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक देखिए किसी भी कलर का आपने धागा ले लेना, मैं सेम जिस कलर में मैंने बनाया है उसी कलर में बना के बताऊँगी। एक कैंची, एक क्रोशिया और एक सुई ले लेनी है हमने बाद में इसके स्टिचिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये एक मीडियम साइज़ का फूल बनाया है। तो आपको जिस जितना भी फूल बनाना, अगर छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है तो उसके हिसाब से हमने चेन डालनी है। अगर आपको छोटा फूल बनाना है तो आपने 31 चेन्स ले लेनी है, और अगर ये मीडियम साइज़ का बनाना है जैसे मैंने बनाया है तो इसके लिए हम 61 चेन लेंगे, और अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो हम 91 चेन्स लेंगे। तो जितना फूल आपने बनाना है उस हिसाब से हम ये चेन्स ले लेंगे। तो चलिए मैं यही मीडियम साइज़ का फूल बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्लिप नोट ले लेंगे, ये हमने स्लिप नोट ले ली। अब उसके बाद देखिए हमने ये हुक बना लिया है। तो अब मैं मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, तो मैंने 61 चेन्स लेनी है। 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 देखिए देखिए मैंने 61 चेन्स बना ली हैं अपनी 61। उसके बाद देखिए दो चेने हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये देखिए दो चेन के बाद ये जो तीसरी चेन है इसमें हमने एक डबल क्रोशिया लगा लेना है इस तरह से। देखिए डबल क्रोशिया लगा लिया मैंने। अब तीन चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से इसी वाली चेन में जिसमें हमने पहले लिया था डबल क्रोशिया, इसमें मैंने फिर से एक और डबल क्रोशिया ले लेना है। देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से हमने दो चेन छोड़ देनी है। अब तीसरी चेन में फिर से हम दो बार क्रोशिया लगाएंगे। देखिए एक बार डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से सेम चेन में हमने ये तीन बार एक डबल क्रोशिया लगा लेना है। फिर से ये देखिए ये दो चेन हम छोड़ देंगे, ये तीसरी चेन में मैंने फिर से देखिए ये डबल क्रोशिया ले लेना है यहाँ पे इस तरह से। तीन चेन बनाएंगे, फिर से सेम इसी में ही हमने डबल क्रोशिया लगा लेना है। मतलब हम दो चेन छोड़ के हर चेन में डबल क्रोशिया लगा रहे हैं और ऊपर तीन चेन बना रहे हैं। देखिए इस तरह से मेरा ये वी टाइप का स्टिच बन के आ रहा है। देखिए फिर से डबल क्रोशिया लेंगे हम, ये दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, चेन थ्री, तीन चेन लेंगे, फिर से सेम उसी चेन में हमने ये डबल क्रोशिया ले लेना है। मतलब एक चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया ले रहे हैं पर तीन चेन बना के। देखिए फिर से दो चेन छोड़ दी, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीन चेन लेंगे, फिर से सेम इसी में ही मैंने एक बार फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया ले लेना है। फिर से देखिए दोबारा दो चेन छोड़ेंगे, फिर से तीसरे में इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया लिया है, तीन चेन बनाएंगे सिंपल, फिर से सेम इसी में ही मैंने इसी वाली चेन में जिसमें मैंने पहला लिया है एक बार फिर से हमने इसमें डबल क्रोशिया लगा लेना है। फिर से देखिए दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, चेन थ्री, तीन चेन, फिर से उसी में ही सेम चेन में डबल क्रोशिया लगाएंगे। फिर से दो चेन छोड़ देंगे तीसरी चेन में, फिर से देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, चेन थ्री, डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मेरी ये देखिए वी टाइप का स्टिच बन के आ रहा है। देखिए हमने पूरे इन पूरे 61 स्टिचेस में हमने सेम इसी तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो करना है। मतलब देखिए फिर से दोबारा एक बार बता देती हूँ। देखिए दो चेन छोड़ देंगे, तीसरी चेन में देखिए मैंने अपना एक ये डबल क्रोशिया लगा लेना है, तीन चेन बनाएंगे, फिर से देखिए सेम उसी चेन में मैंने अपना ये दोबारा से डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से दोबारा दो चेन छोड़ देंगे तीसरी चेन में, फिर से ये एक डबल क्रोशिया, तीन चेन बनाएंगे, फिर से सेम उसी चेन में हमने फिर से एक बार डबल क्रोशिया लगा लेना है।
इसी तरह मैंने अपनी ये पूरी चेन्स, इस तरह से मैंने अपनी ये चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। फिर से देखिए अगले दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में वन डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से दोबारा हमने इसमें एक बार डबल क्रोशिया लगा लेना है। फिर से देखिए ये लास्ट चेन में, ये जो हमारा लास्ट का फंदा है इसमें फिर से हमने देखिए एक बार इस तरह से क्रोशिया डाला, वन डबल क्रोशिया ये मैंने लगा लिया, तीन चेन बनाएंगे, फिर से हमने इसी में ही एक बार डबल क्रोशिया लगा लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मेरी ये पूरी इस लाइन में देखिए ये वी टाइप के स्टिच बन के तैयार हुए। देखिए ये दिख रहे हैं, देखिए इस तरह से मैंने अपनी ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ये तीन चेन और ले लेनी है, एक दो तीन। फिर हम इसको देखिए इस तरह से मैंने ये टर्न कर दिया, अब इसको क्रोशे की जो लेस बन गई है हमने इसको टर्न कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो पहले दो स्टिच हैं, देखिए पहले मैंने ये तीन चेन ले ली हैं, अब इसमें हमने पांच डबल क्रोशिया लगा लेने हैं, एक दो तीन चार और पांच। देखिए मैंने अपने ये पांच डबल क्रोशिया लगा लिए हैं, एक जो हमने तीन की चेन बनाई थी वो हमारा छठा डबल क्रोशिया बन गया है। तो इस तरह से हमारे ये टोटल छह डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये देखिए ये जो बीच में ये जो स्पेस सा है इसमें हमने सिर्फ एक स्लिप स्टिच, ये देखिए मैंने अपना ये सिंगल क्रोशे लगाया है, इस तरह से मैंने ये अपना एक सिंगल क्रोशे लगा लिया। अब अगले में हमने फिर से छह डबल क्रोशे लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छः, देखिए मैंने फिर से अपने ये छह डबल क्रोशिया लगा लिए हैं। अब ये बीच का फिर से ये देखिए ये जो स्पेस बच रहा है, छोटा सा जो जगह बची हुई है, इसमें हमने अपना एक फिर से देखिए इस तरह से मैंने अपना क्रोशिया लिया और मैंने ये इस तरह से देखिए सिंगल अपना सिंगल क्रोशिया लगा लिया इस तरह से मैंने ये। अब ये पहली दो में हमने छः छः डबल क्रोशिया लगाने हैं। अब बाकी जितने भी हमारे ये जो स्पेस है इन सब में हमने आठ आठ डबल क्रोशिया लगाने हैं और लास्ट के जो दो स्पेस बचेंगे हमारे ये दो जो हैं इसमें हमने दस दस डबल क्रोशिया लगाने हैं और बीच में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया लगाएंगे। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, अब हमने दो बार छः छः डबल क्रोशिया लगा ली, अब हमने आगे अब हमने आठ आठ डबल क्रोशिया लगाते जाना है। देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, देखिए मैंने आठ डबल क्रोशिया लगा लिए हैं। फिर से देखिए इसके बीच में जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से दोबारा आठ अगले इसमें चेन में हमने जो तीन चेन बनाई थी हमने उसमें आठ डबल क्रोशिया, फिर से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, देखिए आठ डबल क्रोशिया। फिर से देखिए ये जो बीच का ये जो स्पेस है इसमें हमने फिर से अपना एक सिंगल क्रोशिया लगा लिया। देखिए इस तरह से फिर से दोबारा अगली चेन में आठ डबल क्रोशिया लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये आठ। आठ डबल क्रोशिया लगाने के बाद फिर से एक हमने ये सिंगल क्रोशिया लगा लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए ये मेरा फ्लावर का पैटर्न बन रहा है।
मेरा ये फ्लावर का डिज़ाइन बन रहा है क्रोशे का। अब हमने यहाँ तक, यहाँ सिर्फ ये लास्ट के दो स्पेस जो दो चेन ने छोड़ के, हमने यहाँ तक ये पूरा इसी तरह से मैंने अपने ये 8 डबल क्रोशिया और बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया जहाँ पे ये स्पेस है वो लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, 8 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पे स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपने पूरे, इसी तरह से हमने अपना ये पूरा फ्लावर इस तरह से यहाँ तक लास्ट की दो चेन तक हम बना लेंगे। फिर से एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, 8 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। अभी देखिए ये लास्ट की जो दो चेन है हमारी, अभी दो चेन में हमने 10-10 डबल क्रोशे लगाना है। देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, 10 डबल क्रोशिया लगा लिए। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और ये लास्ट में फिर से हमने 10 डबल क्रोशिया लगा लेंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और ये 10 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे नीचे जो हम, यहाँ जैसे लास्ट चेन में इस तरह से मैंने ये एक अपना सिंगल क्रोशिया लगा लिया। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा धागा बड़ा करके, थोड़ा इतना सा रख लेंगे हम सिलाई के लिए। हमने इसको देखिए यहाँ से मैंने कट कर दिया और ये क्रोशिया को देखिए मैंने इस तरह से, हमने इसमें देखिए मैंने एक चेन बना के इस तरह से धागा खींच दिया और ये काट लगा दिया। देखिए इस तरह से मेरा ये कुछ पैटर्न जो है वो इस तरह से बन के आ रहा है। देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए अब ये जो है इस धागे को इस तरह से मैंने नीचे को कर दिया जहाँ से हमने शुरू किया था। अब इस फ्लावर को देखिए मैंने इस तरह से हमने घुमाते चढ़ना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है, सीधी साइड से हमने इसको इस तरह से धीरे धीरे रोल करते चढ़ना है। देखिए इस तरह से मेरा ये क्रोशिया का फ्लावर बनके तैयार हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे अब हमने इसकी सिलाई करनी है, हमने इसको पीछे से सिलाई करेंगे तो हमने अपनी सुई में एक, सुई में जो धागा हमने लंबा किया है, हमने ये वाला धागा हमने इस वाली सुई में डाल देंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से जैसे मैंने फूल बनाया है इस तरह से हमने ये फूल पलट लिया है। अब देखिए इस तरह से हमने इस सुई की, हमने इस तरह से फूल की सिलाई करनी है कि सारे के सारे जो फूल जो है पहली से लेके आखिरी तक की रो हमारी ये सारी इसमें आ जाए। देखिए इस तरह से,
देखिए इस तरह से हमने अपने ये फूल की स्टिचिंग कर लेनी है, सिलाई कर लेनी है। देखिए देखिए मैंने अपने फूल की इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हमने किसी भी प्रोजेक्ट में इस फूल को लगाना हो तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस फूल को लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक पहले से भी बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।